कसम पैदा करने वाले की आईपीएल की टीम कहाँ रह रही, कप्तान यहाँ लेटे हमें किसी ने बताया नहीं, हम कहीं गाने आए। पता है तुझे आईपीएल चालू हो गए लेकिन अब बता रहा हूँ आईपीएल स्टार्ट है अब चल चला चलो। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे आईपीएल 2020 शुरू हो चुका है, यहाँ पे कोरोना ही फट चुकी है और हम यहाँ पे दुबई से लाए हुए, यहाँ पे दुबई से आ चुके हैं हम। पहला मैच मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग, देखते हैं पहले मैच में क्या होगा, कौन जीतेगा। देखिए हम यहाँ पे देखिए दुबई से लाए हुए, आइए मिलते हैं, लेते हैं पहले पिच रिपोर्ट, पिच कैसी देख रही है हमें। जैसा कि आप सब देख सकते हैं पिच में काफी है धूल, विराट कोहली को पैदा करके कर दी है भूल। ठीक है चलो कप्तान से मिलते हैं, दोनों कप्तान मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर कप्तान है यहाँ पे आते हुए टॉस के लिए पधारते हुए। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों कप्तानों से कि उन्हें आईपीएल के प्रारंभ होते हुए कैसा महसूस हो रहा है। हाँ भाई मुंबई इंडियंस कप्तान रोहित शर्मा आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है। हमें बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ सकते हैं आपके आपकी अंदर की भावना को समझ सकते हैं। और यहाँ बात करते हैं हम चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान, बताओ क्या महसूस हो रहा है। 4 महीना में तो वैसे डरिए कोरोना से, तुम यार जल्दी तो आईपीएल चालू करवा दो। बस बस हम समझ सकते हैं आपके अंदर क्या बीत रहा है, कोरोना के चक्कर में वैसे ही बहुत लेट हो चुका है और यहाँ पे आ चुके हैं टॉस के लिए, तो टॉस की तैयारी होने वाली है। यहाँ पे देखिए टॉस की बारी होती हुई और टॉस इस बार सिक्के से नहीं होगा, बीसीसीआई की है नहीं घोषणा। और इनकी माँ का बहुत और यहाँ पे जो मारेगा पहले रात वही जीतेगा टॉस। भाई साहब आप तय कर लीजिए कौन कौन जीतेगा टॉस। हमने ले रहे बैटिंग पहले, तुम्हें ले रहे हो तुम्हें जिता दो हमने टॉस। हाँ तो आपका क्या कहना है टॉस जीतने के बाद। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बैटिंग दी, हमारी टीम में है रामबाण, हम मारेंगे तुम्हारी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीत लिया है, उन्हें इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट का लिया है निर्णय और आते हैं पहली इनिंग्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन जीतेगा मैच। जैसा कि आप सब देख सकते हैं पिच पर आए हैं अंबती रायडू और फैब डुप्लेसी जिनकी बहू है बहुत सेक्सी, देखते हैं क्या करते हैं दोनों बल्लेबाज। ओए मैं ना खेल लो आईपीएल टूनी तो बजी ना, ओ चल ले चल भाई आईपीएल टूनी। पहला ओवर डालने जा रहे हैं जसप्रीत बुमराह, ये है बहुत तेज गेंदबाज जो करते हैं रनों पर राज। और ये बुमराह ने दो बाउंसर टारगेट किया है ओवर की शुरुआत। अरे बुमराह साहब थोड़ा रहम कर दो। देखते हैं तीसरी बॉल पे बैट्समैन क्या करते हैं, ये यॉर्कर लेंथ बॉल और ये आउट होते हुए बैट्समैन अंबती राडू का गिरता हुआ पहला विकेट। एम्पायर आउट है आउट है आउट है। भाई साहब चश्मा तो उतारो एम्पायर साहब, देखो सामने विकेट गिरे पड़े दोनों भाई आउट है। शेन वॉटसन आते हुए अंदर, देखते हैं शेन वॉटसन क्या शतकीय पारी खेल के अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाते हैं या नहीं। शेन वॉटसन पिच पर आते हुए ओवर की पहली गेंद डालने जा रहे हैं हार्दिक पांड्या, देखते हैं पहली बॉल पर शेन वॉटसन क्या करते हैं। पहली बॉल पर शानदार डिफेंस शेन वॉटसन का, एम्पायर का इशारा भोसड़ी के बॉल फेंक द्वारा। और ये शॉर्ट बॉल डाली है हार्दिक पांड्या ने और ये अंतरिक्ष में गेंद पहुंचाते हुए शेन वॉटसन
और क्या छूट चुका है यहाँ पर बहुत, आपस में बेकार फील्डिंग करने जा रहा था, दो फील्डर आपस में टकरा। अरे यार कैसी बॉल डाल रहे हो तू यार, सब ओवर पे डाल दे रहे यार, सब में डाल, ओवर में टेंशन चल रहा है, चाहे ऑफ में डाल दे, चाहे पॉप में डाल, चाहे लेग में डाल, सभी फिटिंग की बॉल। हां चल चल ओए पॉप में डाल, ओवर में। तुम जो बॉल नहीं पकड़ी, अरे तेने चो नहीं पकड़ी ते बाजी, चल ना पहले आ यार, ना पहले आ। कौन से चूते यार, ओवर दे दो यार। अरे आज ही आउट ही नहीं है एम्पायर, और ये भयंकर होना, जैसा कि आप सब देख सकते हैं एम्पायरिंग वेंचर बीमारी करते हुए और ये आउट दे दिया चेन मोर्सन को। चेन्नई सुपर किंग का स्कोर है 198 रन पर 6 विकेट। और ये बहुत इंसान वाले मुंबई इंडियंस के दोनों ओपनर्स पिच पर आते हुए ओपनिंग करने जा रहे हैं, वो सुपर हिट शर्मा और क्रिस लिन, बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं दोनों बल्लेबाज। देखते हैं रोहित शर्मा अपनी टीम को फेरा में जिता पाते हैं या नहीं। यहाँ पे क्रिस लिन आउट होते हुए शानदार फील्डिंग के साथ क्रिस लिन को आउट करते हुए यहाँ पे आउट है, 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 क्लियर। एक ही टप्पा तो लगो, एक ही लगो यार, मैंने पकड़ ली यार, तो क्लियर आउट है। देखते हैं क्या रोहित शर्मा अपनी टीम को फेरा मैच जिता पाते हैं या नहीं। पिछले 5 साल में अपनी टीम के लिए फेरा मैच नहीं जिता पाए रोहित शर्मा। बहुत ही शानदार जीत के साथ और शतकीय पारी के साथ रोहित शर्मा ने अपनी टीम को मैच जिताया।